हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूपी कैटेट के थ्रू क्या क्या एग्जाम है। बेसिकली यूपी कैटेट का फुल फॉर्म है यूपी कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम यूपी में होता है और यूपी में चार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए ये एग्जाम है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये कौन कौन से चार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूपी में है। तो पहला जो यूनिवर्सिटी है उसको हम सी एस ए यू ए एन टी कानपुर बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारे इंडिया के बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर हैं, चंद्रशेखर आजाद जी। उनके नाम पे ये कॉलेज का नाम पड़ा है। और जो लोकलाइट हैं यूपी के, वो इस कॉलेज को पत्थर कॉलेज के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही पुराना और हिस्टोरिक यूनिवर्सिटी रहा है। तो यहाँ पे इनके दो कैंपस हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी साइंस, कम्युनिटी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और डेयरी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। और यहाँ पे जो टाइप ऑफ सीट्स हैं वो फ्री सीट, पेड सीट और एनआरआई या स्पॉन्सर सीट है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो कानपुर में और लखीमपुर खेरी में इनकी पढ़ाई होती है। और एग्रीकल्चर जो है वो कानपुर में 144 सीट है और लखीमपुर खेरी में 66 सीट है। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर 33 है, फॉरेस्ट्री 33 है, फिशरी साइंस 40 है, कम्युनिटी साइंस जो सिर्फ लड़कियों के लिए है वो 40 है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 36 है, और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी 40 है। तो इस तरीके से टोटल जो सीएस आजाद में सीटें हैं वो 400 बच्चे हर साल यूजी प्रोग्राम में, हम स्पेसिफिक बोल रहे हैं यूजी की बात कर रहे हैं, यूजी प्रोग्राम में 402 बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं दूसरी कॉलेज की तरफ। जो हमारा दूसरा कॉलेज है वो है ANDU ANT अयोध्या। इसको हम बोलते हैं आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम चलते चलते हैं दोस्तों वो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी साइंस। यहाँ पे देखिए एक अच्छा कोर्स है वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री का, और फिर कम्युनिटी साइंस है और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। तो यहाँ भी फ्री पेड और एनआरआई सीट है, और यहाँ पे टोटल 512 बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं अयोध्या एग्रीकल्चर कॉलेज के थ्रू आचार्य नरेंद्र देव। और ये भी बहुत पुराना कॉलेज है, ये 1975 का कॉलेज है। और इस कॉलेज का जो इनॉग्रेशन है वो हमारे पूर्व ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। तो आगे चलते हैं दोस्तों तीसरे कॉलेज में। तो तीसरा कॉलेज जो है SVPUANT मेरठ है, जिसको हम जिसका फुल फॉर्म है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, हॉर्टिकल्चर होती है, बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री है जो वेटनरी साइंसेस है, बीटेक बायोटेक है। ये देखिए यहाँ पे बायोटेक की अलग से पढ़ाई होती है और यहाँ पे 135 बच्चे बायोटेक के थ्रू आते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, डेयरी टेक्नोलॉजी है और फूड टेक है। तो इन टोटालिटी जो है यहाँ पे 10 अलग अलग प्रोग्राम्स में एडमिशंस होती हैं, आठ आठ। यहाँ पे सीरियल नंबर गड़बड़ दिया है तो यहाँ पे टोटल सीरियल नंबर 1 से 8 तक होना चाहिए। तो ये 8 प्रोग्राम्स में यूजी लेवल में टोटल 496 बच्चे हर साल मेरठ कैंपस में सरदार वल्लभ भाई पटेल में एडमिशन ले सकते हैं। और जो हमारा दोस्तों लास्ट कॉलेज है वो BUANT बांदा है, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो इस कैंपस में बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फूड टेक की पढ़ाई यहाँ पे होती है। यहाँ पर टोटल 6 प्रोग्राम है, यहाँ भी सीरियल नंबर गड़बड़ है। तो यहाँ पे इन 6 विषयों में एग्रीकल्चर एलाइट की पढ़ाई होती है और यहाँ भी फ्री पेड एंड एनआरआई सीट है। और यहाँ पे देखें तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ऑलमोस्ट बराबर 104 104 बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं। और इन टोटैलिटी बांदा में जो टोटल सीट है यूजी में वो 380 है। तो 380 बच्चे हर साल
बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेते हैं। और ये चारों कॉलेज बहुत प्रीमियम कॉलेज है, और जो यूपी का बच्चा है पहले यहाँ कोशिश करे, और ये नीट के थ्रू ये एग्रीकल्चर और यूपी कैडेट का भी एग्जाम बच्चों को देना चाहिए। तो यहीं पे मैं रुकूंगा दोस्तों, और अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।